कहते हैं कि हमारे देश भारत में बेटियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत में कोई ना कोई नई प्रतिभा हर रोज जन्म लेती है, लेकिन कुछ प्रतिभाएं परिवार में पैसों की कमी के कारण दम तोड़ देती हैं, तो वहीं कुछ प्रतिभाओं को समाज की कुरीतियों के कारण पनपने नहीं दिया जाता। लेकिन देश की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, दोनों ने ही बेटियों के लिए तरह तरह की योजनाओं को चलाकर एक बार फिर समाज को दूषित करने वाले लोगों को देश से उखाड़ने का काम किया है। यही कारण है कि आज बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं और देश के लड़ाकू विमान चलाने में भी बेटियां अपना योगदान दे रही हैं। आज हमारे संवाददाता के द्वारा जब अलीगढ़ मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर स्थित महेंद्र नगर निवासी कनिका वाशने के बारे में जानकारी की गई, तो बड़े ही अजीब तरह के कारनामे उनके द्वारा किए जाने का मामला सामने आया। जब हमने कनिका से बात की तो कनिका के द्वारा बताया गया वो सीधे हाथ से लिखने के साथ साथ उल्टे हाथ से भी लिख लेती हैं। साथ ही सभी लोग हिंदी और अंग्रेजी गणित को सीधे लिखते हों, लेकिन इनके द्वारा तीनों भाषाओं को उल्टा भी लिख दिया जाता है। साथ ही सभी लोग गाना भले ही गाते हों, लेकिन उनके गाने का अंदाज भी कुछ अलग ही है, वो गाने को उल्टा गा लेती हैं। साथ ही गरीब बच्चों को मुफ्त में डांस सिखाने के साथ साथ कनिका के द्वारा गरीब और असहाय बच्चों की समय समय पर मदद भी की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिका है, मैं अलीगढ़ से हूँ। किस तरह की एक्टिविटीज करती हैं आप? मैं डांस करती हूँ, इसके अलावा मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ, नेल आर्ट करती हूँ, रिवर्स राइटिंग, रिवर्स सिंगिंग, मिनिएचर राइटिंग, और इसके साथ साथ मैं गरीब बच्चों को उनकी आजीविका के लिए कुछ सिखाती भी हूँ, जिससे कि वो अपने घर का खर्चा खुद कर सकें, और उनको पढ़ाती भी हूँ। रिवर्स राइटिंग जो क्या है, कितने तरीके से कर सकती हैं आप? मैं रिवर्स राइटिंग को 3 या 4 तरीके से आराम से कर सकती हूँ। तो ये चीज कैसे सीखी आपने? सब लोग का जो होता है वो ये होता है कि वो सब कुछ सीधा सीधा करते हैं, लेकिन अगर कुछ करना है इस दुनिया में तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज को अद्भुत तरीके से करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो मैं भी 10th क्लास में थी तब मैंने ये स्टार्ट किया, और तब से मेरी जर्नी अभी तक। जिस तरह से आप जो समाज सेविका हैं, बताया भी है आपने, और रिवर्स राइटिंग भी करती हैं, तो फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, शायद इस मामले में बहुत ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि अगर मुझे कभी भी किसी चीज की भी जरूरत होती है तो मेरे पास सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। कनिका ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य में एक संस्था के द्वारा देश में दूसरे नंबर पर भारत की लक्ष्मी नामक अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही भारत प्रतिभा विशेष सम्मान 2019, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियली अटेम्प्ट 2019, नेशनल रिकॉर्ड जून 2019, आसिफा ग्लोबल रिकॉर्ड नेशनल आर्ट और लिटरेचर अवार्ड 2019 जनवरी में, प्राइड ऑफ टैलेंट जयपुर रुबारू एक्सप्रेस समुंदर के मोती कस्तूरी कला प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया था। तो वहीं अगर कला की बात कही जाए तो देश के मुखिया नरेंद्र मोदी की आकृति नाखून पर बनाकर पूरे देश में कनिका ने अलीगढ़ का नाम रोशन किया है। साथ ही अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कनिका का स्वागत व सम्मान भी किया जाता है, तो वहीं दूर दूर से कनिका के लिए नव वर्ष को लेकर उपहार भी आए। लेकिन अगर बात अलीगढ़ प्रशासन की कही जाए तो कनिका को अभी तक अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिली। अगर कनिका को सरकार या प्रशासन के द्वारा किसी तरह की मदद मिल जाए तो पूरे देश का नाम रोशन करने वाली कनिका अन्य प्रतिभाओं को निखारने का काम बड़े स्तर पर कर सकती हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कहीं आपने आगे भी इस तरह के कंपटीशन वगैरह में भाग लिया हो? जी बिल्कुल, मैं डेली सा ही मेरा होता है कि मैं खुद कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हूँ। साथ ही साथ मैं खुद नहीं, अपने बच्चों को जो जिन्हें मैं सिखाती हूँ उनको भी पार्टिसिपेट कराती हूँ। रिवर्स राइटिंग में कभी आपको किसी तरह का उपहार वगैरह मिला हो? जी बिल्कुल, मुझे नेशनल लेवल तक इसमें सर्टिफिकेट और मेडल्स मिल चुके हैं।
जो नेल्स आर्ट वगैरह है, क्या जानती है नेल्स आर्ट के बारे में आप? नेल आर्ट के बारे में ये है कि मेरा ये शौक है, तो शौक ही शौक में मैंने पीएम मोदी जी की नेल आर्ट अपने नेल्स पर लगाई थी, और अभी रिसेंटली 2019 में इसका एक एग्जीबिशन लगा था, तो उसमें मैंने 3 रिकॉर्ड बनाया, उसमें नेशनल रिकॉर्ड, ग्लोबल रिकॉर्ड, एशिया पैसिफिक रिकॉर्ड, और अभी उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनने वाली है। क्या कभी अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह की मदद वगैरह मिली हो? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक अलीगढ़ प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। तो क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जब मैं, जाहिर सी बात है कि बच्चों को सिखा रही हूँ या कुछ करा रही हूँ, तो मेरे को भी एक खर्चा मतलब होना चाहिए। कनिका की माता पेशे से वकील हैं। जब उनसे बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बेटी से कभी किसी काम की रोक टोक नहीं की गई, हमेशा से ही कार्यों में उसको सहयोग दिया गया, लेकिन उनकी बेटी के द्वारा बच्चों के लिए जितना भी किया जाता है सब मुफ्त में किया जाता है। अगर सरकार या जिला प्रशासन उनकी ओर ध्यान दे दे तो इस तरह के कार्यों को और आगे तक ले जाने का काम किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार या जिला प्रशासन के द्वारा कनिका के लिए किस तरह का सहयोग किया जाएगा। मेरा नाम एडवोकेट मनोरमा गुप्ता है। जिस तरह से आपकी बेटी जो है पूरे देश में नाम रोशन कर रही है, आपका क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसके लिए तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा हीरा दिया है और उसको तराशने में मुझे मेरी मदद की है। मेरी बेटी ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम, इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा किया है और अपना नाम रोशन करती है। साथ साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हम उसके पेरेंट्स हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। जिस तरह से बेटियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता और जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, लेकिन आपकी बेटी के द्वारा दूर दूर जाकर कहीं ना कहीं अलीगढ़ जिले का भी नाम रोशन किया है, तो किस तरह की सपोर्ट रहती है आपकी तरफ से? जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं इस चीज के लिए ही सबको बताना चाहती हूँ कि बेटियों को कभी रोके नहीं। जिसके पास बेटियां हैं तो वो बेटियां ही नाम रोशन करेंगे, ये ना सोचे कि वो किसी तरीके से बेटे से कम है। और हर पेरेंट्स के लिए मैं कहती हूँ कि बेटियों को सपोर्ट करें। मेरे पास भी बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि बेटी कहीं भी कुछ करेगी। नहीं, पढ़ाई में भी आगे है मेरी बेटी और अदर अदर फील्ड में भी आगे है। मैंने कभी उसे नहीं रोका, बचपन से ही उसका साथ दिया है और हमेशा उसके साथ बाहर भी जाती हूँ। जैसे वो लिखती हैं और गाती भी हैं और बच्चों को डांस भी सिखाती हैं जी, तो आप किस तरह का प्रोत्साहन करती हैं अपनी बेटी का? मैं उसको पूरा फुल सपोर्ट देती हूँ टाइम के लिए। कभी उसे नहीं बताती कि भैया तुम अपना टाइम दे सकते हो बच्चों को, और कभी उसके रास्ते में आड़े काम को नहीं लाती, एक्स्ट्रा काम को। भाई घर में भी बहुत काम होती है, या मैं भी फील्ड में हूँ, तो मैं उसके लिए ये नहीं कहती हूँ कि तुम ये काम नहीं करो, सिर्फ अर्निंग के ही काम करो। भाई समाज सेवा है, समाज सेवा की तरह करो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आगे देश को तरक्की देने के लिए हमारा प्रशासन या हमारे जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो हमारे जिले के, शहर के, देश के, तो इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए उसकी आर्थिक मदद करें, इस तरीके की थोड़ी सी हेल्प करें, जिससे कि वो और बच्चों को भी सिखा सके। उसकी वो एक फ्री क्लासेस चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, जो बच्चे लड़कियां हैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जो ज्यादातर पैकिंग वगैरह करती हैं फैक्ट्रियों में, या किसी तरीके से उनके यहाँ कुछ खाने मतलब बहुत परेशानी है, तो उन बच्चों को, उन लड़कियों को पढ़ाती है खास तौर से, और उनको आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए उनको कोरियोग्राफर यानी डांस भी सिखाती है, जिससे भी आगे चल के अपना भी क्लासेस खोल सकती है या कहीं स्कूल में जाके जॉब कर सकती है, तो उनको एक आर्थिक मदद भी मिलेगी। और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रशासन इस पर ध्यान दे, जिससे कि ये और लड़कियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी कुछ सहायता कर सके। भाई इस पर खर्चा तो होता ही है, अभी तक तो हम ही लोग सपोर्ट करते हैं बहुत आगे तक ले जाने के लिए। मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत हमें इसके लिए कुछ ध्यान दिया जाए। क्या सरकार की तरफ से इस ओर कोई मदद नहीं दी गई अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं है, अभी तक तो ये हमारे ऊपर ही है। हम लोग पेरेंट्स और हम अपने तरीके से ही बच्चों को कराते रहते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं, और इसकी क्लास में 8-10 लड़कियां आती हैं, और टाइम टाइम पे उनको फिर हम लोग अलग अलग
त्योहारों पे सेलिब्रेट भी कराते हैं और उनको अर्निंग के लिए भी तरीके बताते हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।